नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो एडमिट जो आपका रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया, कट ऑफ भी मैंने बता दी थी। ठीक है, देखिए सब कुछ आ चुका है और जो जो अपडेट आया था हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते गए। देखिए, जैसे ही कट ऑफ आई हमने सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बताया, उसके बाद रिजल्ट आया सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बताया, और आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा 6 दिसंबर से, यानी कल 6 दिसंबर है, यानी कि देखिए रात का 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो आज से ही 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है, वो पिछली वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो में आपको स्किप मत कीजिएगा। देखिए, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस हो गया तो आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है, वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। बताने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। देखिए, YouTube पर सबसे पहले वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ कराने जाने के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं नोटिफिकेशन तरफ। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर बताया है क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डीवी एंड पीएसटी। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट है आवेदन पत्र, यानी कि जब आपने फॉर्म को फिलअप किया अपना, जब फॉर्म फिलअप किया उस टाइम में आपको किस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, जब आपने किसी कैफे पर फॉर्म भरवाया अपना, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, उसके प्रिंट आउट। ठीक है, उसके बाद आपको 2 रंगीन फ़ोटो ले जाने हैं, 35 mm x 45। ठीक है, 35 mm x 45 mm का आपको 2 रंगीन फ़ोटो ले जाने हैं। इसी के साथ एक आपको पहचान फ़ोटो ले जानी है। ठीक है, मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल पहचान पत्र की छायाप्रति। ठीक है, देखिए राजपत्रित अधिकारी क्या होता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है डीवी चेकलिस्ट। ठीक है, डीवी चेकलिस्ट अभ्यर्थी लॉगिन पेज पर उपलब्ध डीवी चेकलिस्ट का प्रिंट आउट को ले जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका शैक्षणिक दस्तावेज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट मूल अंक के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल अंक पत्र की छायाप्रति। ठीक है, आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट का आपको उसका मूल अंक पत्र, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। देखिए राजपत्रित अधिकारी क्या होता है मैं वीडियो के बाद में बता दूंगा। ठीक है, पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसी के साथ अपनी एक फोटो स्टेट ले जानी है इसकी। ठीक है, और हाई स्कूल के साथ एक क्या ले जाना, मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। ठीक है, देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट जाएंगे सभी राजपत्र द्वारा अधिकारित होने चाहिए। ठीक है, अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। उसके बाद बात करें आपका 12th का क्या क्या ले जाना है, इंटरमीडिएट का। ठीक है, यही सेम आपको इंटरमीडिएट का ले जाना है, इसमें भी राजपत्रित द्वारा अधिकारी द्वारा आपका सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित द्वारा प्रमाणित मूल उत्तीर्ण पत्र का छायाप्रति ले जानी है। ठीक है, चलिए ये आ गया आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए राजपत्र अधिकारी क्या होता है वो भी आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल से प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो एससी के लिए क्या ले जाना है, एससी के लिए यहाँ बताया गया है
मूल श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारण प्रमाण रूप से, ठीक है। एससी कैंडिडेट जितने भी हैं उनको अपनी मूल निवास की जो छाया, अपने मूल निवास का जो आपका फोटो स्टेट ले जाना है, लेकिन उस पर जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसे रजिस्टर्ड करा कर ले जाना होगा, ठीक है। राजपत्रित क्या होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एसटी वाले कैंडिडेट के लिए, एसटी वाले कैंडिडेट को भी लिए यही ले जाना है, लेकिन उनको भी राजपत्रित द्वारा अधिकारी द्वारा उसे प्रमाणित करना पड़ेगा। ओबीसी को भी सेम यही ले जाना है, लेकिन उनको भी राजपत्रित द्वारा अधिकारी द्वारा उसे जो है वेरीफाई करवा कर ले जाना है। उसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक कोई हो, उनके लिए देखिए उनके लिए ले जाना है मूल निर्वहन प्रमाण पत्र, एनओसी के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल निर्वहन प्रमाण पत्र, एनओसी की छाया पत्री, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्वतंत्रता सैनिक के आश्रित जो कैंडिडेट है उनके लिए ले जाना है मूल प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनके लिए ले जाना है, ठीक है। फोटो स्टेट जानी है इसकी, ठीक है। देखिए ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है। और हर फोटो स्टेट का मैं अगर आपको एक रिकमेंड करूँ तो मेरी रिकमेंड तो यही है कि आप जो है हर डॉक्यूमेंट का दो दो सेट बना कर ले जाइए, यानी कि दो सेट बना कर ले जाइए हर कागज का, एक एक फोटो स्टेट, लेकिन हर सभी का एक एक सेट बना लीजिएगा, ठीक है। दो सेट ले जाए, क्या पता आपका वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए किस चीज़ की, तो आप जो है आपके पास होगा एक्स्ट्रा, तो आपके लिए वहाँ कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो दो आप सभी फोटो स्टेट ले जाएँ, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट ऑफिस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का हो गया, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। डोमिसल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यहाँ बताया गया है मूल यूपी निवास प्रमाण पत्र के साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल पत्र छाया आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करने वाले उनके लिए है, लेकिन यहाँ मैंने बता दूँ आपको सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट है कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाएँ सभी राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा कर जरूर ले जाएँ, ठीक है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र उनको भी ले जाना है, ठीक है। विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारण के आधार पर, ठीक है, उनको भी राजपत्र द्वारा अधिकारी के द्वारा ले जाना है, ठीक है। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र उनको भी जो है अपना राजपत्र अधिकारी द्वारा वेरीफाई करवा कर ले जाना है। प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, ठीक है, क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारी द्वारा उनको भी जो है प्रमाणित करवाना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, उनके लिए भी मूल एनसीसीबी प्रमाण पत्र, ठीक है, राजपत्र अधिकारी द्वारा मूल एनसीसीबी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है। ओ लेवल प्रमाण पत्र मूल डी ओ एस सी, ठीक है, नाइलेट, ठीक है, जो नाइलेट का जो आपका ओ लेवल का प्रमाण पत्र है उसको अपने राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके ले जाएं, ठीक है। ओ स्तर के प्रमाण पत्र जो होते हैं, ठीक है, ये नाइलेट से बनता है, ठीक है, नाइलेट एक संस्था है उसी के द्वारा से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इतना ही था, ठीक है फ्रेंड्स, इतने प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो राजपत्र अधिकारी होता है वो कौन कौन होते हैं। देखिए किसी भी सरकारी कर्मचारी, देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड कर्मचारी होना चाहिए, ठीक है, सरकारी कर्मचारी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा ऐसा मत कीजिएगा कोई है मतलब बिल्कुल ही 4th-5th class का कर्मचारी उससे वेरीफाई करवा कर ले जाए, थोड़ा अच्छे लेवल का कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, ठीक है। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा कर ले जाना है, ठीक है। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास नहीं जाना चाहते
तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर जो है आपके, उनसे वेरीफाई करवा कर ले जाना सभी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है? उनकी मोहर साइन जो भी लगेगा वो लगवा कर ले जाना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है वीडियो अच्छी लगेगी। इतना ही बताना था वीडियो में, आगे कोई अपडेट आएगा जरूर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। देखिए, वीडियो सबसे पहले लेकर आए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। और आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है विद प्रूफ के साथ, ठीक है? आप पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर बता दिया है पूरा, ठीक है? देखिए, तो आशा करता हूँ अच्छी लगी वीडियो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम वीडियो आपको बनाकर बता देंगे। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले।